इस साल नवंबर में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों का उपयोग करने जा रही है। चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग होगा। इसके अलावा मतदाता सूची भी फोटोयुक्त होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर करने की तैयारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव ने ईएमएस टीवी को जानकारी देते हुए बताया कि आयोग सरपंच और जन पंचायत के चुनाव भी संपन्न कराने जा रही है। इसके लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम और फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के अलावा आईटी का भी प्रयोग किया जाना है। इसके अलावा आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि इस वर्ष चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने से राज्य सरकार ने चुनाव राशि बढ़ा दी है, जो कि करीब 175 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि इसी वर्ष प्रदेश भर में नवंबर में कुल 337 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 100 नगर पालिका और 263 नगर परिषद शामिल हैं। अभी हमने इस वर्ष अभी सबसे पहले जो काम होता है वो होता है मतदाता सूची का। तो हमारी अब मतदाता सूची बनने शुरू हो गई है। अभी आपने आज हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है, तभी स्टेट के लोग आए हुए हैं, वो तहसीलदार लोग हैं जो यहाँ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और जो मतदाता सूची बनाएंगे। परंतु मतदाता सूची में इस बार हमारा जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अब मतदाता सूची को फोटोयुक्त कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं वो है कि हम ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम चुनाव में उपयोग कर रहे हैं। तो नगरीय निकायों के 100% चुनाव ईवीएम से होंगे और पंचायती राज सिस्टम में पंच का छोड़ के शेष सभी चुनाव हम ईवीएम से कराएंगे। देखिए, चुनाव वर्ष में राज्य सरकार हमेशा ज़्यादा पैसा देती है और वो एक्चुअली जो हम लोग जितना पैसा मांगते हैं हमें राज्य सरकार चुनाव पैसा देती है। हमें सरकार से कभी भी पैसे के मामले में कभी दिक्कत नहीं गई है। सरकार ने चुनाव कराने के लिए हमें भरपूर सहयोग दिया और हमेशा पैसा देती है। और इस साल तो सरकार ने विशेष परिस्थितियां मान के हमको ईवीएम के लिए करीब 170 करोड़ रुपए दिए हैं परचेस करने के लिए। और इस बार हमने मतदाता सूची का भी हम परिवर्तन करा, तो इसमें जो ज़्यादा राशि लग रही है उसके लिए भी राज्य सरकार ने हमको पैसा दिया हुआ है। यहाँ कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ईएमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।